वेलकम पजल के इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। ये मेरा 14th पजल है। तो आइए, ये पजल है IBPS PO का। ओके, तो देखिए पहले मैं इस पूरे पजल को रीड करूंगा और उसके बाद एक्सप्लेन करते हुए सॉल्व करूंगा, ठीक है? आइए पहले पूरा रीड करते हैं। डायरेक्शंस: रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। There are 7 persons A, B, C, D, E, F and G based on Delhi. Each of them are from a different state, has a different profession and plays different instrument. C, a doctor is from Bihar. Okay? E and F play mandolin and violin, though not necessarily in that order. A is not from Kerala. The person from Kerala is an engineer and plays guitar. The lawyer plays sitar. The businessman from UP plays violin. The teacher and the cricketer play flute and piano, though not necessarily in that order. F is a pilot. The Maharashtrian is a teacher. The Gujarati plays piano. G is a Punjabi, does not play sarod. B is a cricketer. Okay, तो आइए अब मैं इसे explain करता हूँ। देखिए, there are seven persons हैं और इन सबके details दिए हुए हैं based on दिल्ली। ये सब दिल्ली में रहते हैं, पर कहाँ के हैं? जैसे आप ही, अगर मान लीजिए आप ही दिल्ली में रहते हैं लेकिन झारखंड से हैं, जमशेद झारखंड से है कहीं से। ओके, देखिए ये सब दिल्ली से हैं, दिल्ली में रहते हैं लेकिन कहाँ से हैं? अलग अलग प्लेस से हैं और अलग अलग प्रोफेशन है, अलग अलग जॉब और अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं सब, ठीक है? तो देखिए इन सब की डिटेल्स लिखने हैं ना, तो इस ऑर्डर में लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी। तो देखिए ये ए बी सी डी ई एफ है ना, ये सब के डिटेल्स बताए गए हैं, डिटेल्स, और ये सब अलग अलग जॉब इंस्ट्रूमेंट ये सब है। तो देखिए इन सब के डिटेल्स है ना, तो इन्हें किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं बी डी एफ ई सी, ऐसे कैसे भी लिख सकते हैं, पर हम ऐसे नॉर्मली लिखते हैं, नॉर्मल। तो सेवन है तो सेवन प्लेसेस बना दीजिए, और एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं है कि ऐसा सुंदर से टेबल बनाए और लिखे, तो नॉर्मल एग्जाम में आपको नॉर्मली बस लिख देना है, बिना टेबल्स के, बिना कुछ बनाए, ड्रॉ किए। ओके, देखिए तो लिख लेते हैं ए बी सी डी जी तक, ए बी सी डी ई एफ और जी, ये हमने लिख लिया। अब सी अ डॉक्टर इज फ्रॉम बिहार। सी एक डॉक्टर है बिहार से। तो देखिए डॉक्टर, उसका प्रोफेशन है डॉक्टर और स्टेट है बिहार। ओके, तो देखिए पहले हम इसे रीड करते हुए जितना भी चीजें कंफर्म लिखी हुई है वो हम लिखेंगे, और जितने चीजें कंफर्म नहीं है उन सब लाइंस को अभी छोड़ देंगे, तभी वो लाइन सब सॉल्व हो पाएंगे, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे सब कुछ। देखिए सी अ डॉक्टर इज फ्रॉम बिहार, तो सी एक डॉक्टर है, डॉक्टर डॉक्टर, और बिहार से है, बिहार। ओके, नेक्स्ट लाइन, ई एंड एफ प्ले मैंडोलिन एंड वॉयलिन, दो नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर। तो ये लाइन भी अभी नहीं है, क्योंकि लेकिन एक चीज है कि ई और एफ मैंडोलिन और वॉयलिन में से ही कोई एक है, मैंडोलिन और वॉयलिन इन दोनों का ही है, पर हो सकता है ई का वॉयलिन हो या ई का मैंडोलिन हो, इसलिए ये लाइन भी कन्फर्म कुछ नहीं बताता। आगे ए इज नॉट फ्रॉम केरला, ये भी कुछ कन्फर्म नहीं है, इसे भी छोड़ दीजिए। The person from Kerala is an engineer and plays guitar. ये भी अभी नहीं है। Next, the lawyer plays sitar. The lawyer plays sitar. तो ये भी नहीं है। कुछ confirm मिलेगा तब ना आगे बढ़ेंगे। The businessman from UP plays violin. ये भी नहीं। The teacher and the cricketer play flute and piano, though not necessarily in that order. ये भी नहीं है। F is a pilot. Yes, ये है। F एक pilot है। F का profession pilot. ओके,
एफ है पायलट। आगे द महाराष्ट्रियन इज अ टीचर, ये भी नहीं है। द गुजराती प्लेस पियानो, ये भी नहीं। जी अ पंजाबी, यस जी, जी एक पंजाबी है, मतलब पंजाब का, पंजाब पंजाब। डज नॉट प्ले सरोद, ये लाइन काम नहीं है, डज नॉट प्ले का। और बी इज अ क्रिकेटर, बी इज अ क्रिकेटर, तो बी एक क्रिकेटर है प्रोफेशन में, क्रिकेटर क्रिकेटर। ओके अब हम इसे फिर से देखते हैं और इस बार इन सारे लाइंस को यूज करेंगे, सारे लाइंस, और अभी भी हो सकता है कुछ कुछ लाइंस यूज ना हो। देखिए ई एंड एफ प्ले मैंडोलिन एंड वायलिन, तो नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर, ये लाइन अभी भी यूज नहीं होगा। ए इज नॉट फ्रॉम केरला, ठीक है हो सकता है ये लाइन बाद में यूज हो। आगे देखते हैं द पर्सन फ्रॉम केरला इज एन इंजीनियर एंड प्लेस गिटार, तो ये तो तीनों बता रहा है। स्टेट है केरला और इंजीनियर है प्रोफेशन और गिटार है इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो थ्री प्लेसेस चाहिए। देखिए थ्री प्लेसेस कहाँ है, यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 है ना, तो केरला एक स्टेट केरला है, तो यहाँ लिखा है ना ए इज नॉट फ्रॉम केरला, तो ये थ्री प्लेसेस पर ये नहीं होगा, तो ए खत्म, डी और ई बच गया। देखिए यहाँ इंस्ट्रूमेंट बता रहा है गिटार और ये लाइन अब यूज होगा, ई एंड एफ मैंडोलिन और वायलिन, तो ई का मैंडोलिन और वायलिन में से एक ही होगा और यहाँ तो गिटार है तो गिटार ई का नहीं है तो यहाँ पर होगा डी का, दिस थ्री आर ऑफ डी, तो तीनों पता चल गया डी का, डी है केरला से, केरला ओके, डी है केरला से, इंजीनियर है और गिटार बजाता है, तो गिटार और उसका प्रोफेशन है इंजीनियर, इंजीनियर ओके। अब आगे देखते हैं द लॉयर प्लेस सितार, टू प्लेसेस चाहिए लॉयर और सितार के लिए, तो ये टू प्लेसेस चाहिए, ये टू प्लेसेस और ये टू प्लेसेस, तो सितार ई का तो देख लीजिए फिर से मैंडोलिन और वायलिन है तो सितार तो नहीं होने वाला, समझ गए, तो ई का गया, बस ये टू प्लेसेस बच गए, ये टू प्लेसेस, तो अभी नहीं पता, हो सकता है पता है बाद में चले, तो जी का जैसे कि यहाँ दिया है डज नॉट प्लेस सरोद, ठीक है सरोद तो नहीं है सितार है। आगे बढ़ जाते हैं अभी कुछ नहीं हो सकता इस लाइन का। द बिजनेसमैन फ्रॉम यूपी प्लेस वायलिन, ये तीनों बता रहा है फिर से, बिजनेसमैन यूपी और वायलिन थ्री प्लेसेस, तो देखिए थ्री प्लेसेस कहाँ है, यहाँ पर है और यहाँ पर है ओके, तो अब ए में नहीं होने वाला, क्यों, तो देखिए ई का या तो मैंडोलिन है या तो वायलिन और यहाँ है वायलिन, तो ई और एफ में से होता है और एफ तो होने वाला नहीं है क्योंकि एफ का वन प्लेस पहले से फुल है, समझे, तो ई नहीं होगा तीनों, तो ई का निकल गया तो एफ का मैंडोलिन होगा, ये तो पता चल गया एफ का मैंडोलिन, एफ का मैंडोलिन और इसका वायलिन, वायलिन इसका वायलिन ओके, इसका वायलिन तो बिजनेसमैन है और यूपी से, तो यूपी से है, यूपी उत्तर प्रदेश से, और यहाँ वायलिन, यहाँ पर बिजनेसमैन है प्रोफेशन इसका, बिजनेसमैन ओके। आगे देखते हैं द टीचर एंड क्रिकेटर प्ले फ्लूट एंड पियानो, तो देखिए टीचर तो अभी तक पता ही नहीं है, क्रिकेटर पता है, तो ठीक है अभी भी कुछ नहीं हो सकता इस लाइन का। आगे बढ़ते हैं एफ इज अ पायलट, एफ इज अ पायलट, देखिए एफ इज अ पायलट हो गया ये लाइन, तो ऊपर द महाराष्ट्रियन इज अ टीचर, तो महाराष्ट्रियन है टीचर, तो मतलब यहाँ पर अगर महाराष्ट्रियन यहाँ पर तो टीचर यहाँ पर, तो ये टू प्लेसेस यहाँ पर खाली है ना, बस और तो कहीं है नहीं, तो यही होगा, स्टेट है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र स्टेट है महाराष्ट्र और प्रोफेशन है टीचर ओके, ये टीचर है महाराष्ट्र से, ठीक है इतना हो गया। आगे जी या पंजाबी डज नॉट प्ले सरोद, तो सरोद यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा, तो यहाँ होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए टीचर और क्रिकेटर के बारे में दिया था, टीचर एंड क्रिकेटर प्ले फ्लूट एंड पियानो, सरोद तो नहीं है, तो यहाँ पर फ्लूट एंड पियानो ही होगा, पर ऐसे या ऐसे
या हमें नहीं पता, तो यही एक प्लेस बच गया, यही एक प्लेस सरोद के लिए। तो यहाँ है सरोद, यहाँ है सरोद, बी इज अ क्रिकेटर, ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं वापस, तो देख लीजिए क्या क्या बच गया। लॉयर प्लेस सितार, तो अब लॉयर और सितार यही प्लेस बच गया, तो ये है सितार और यहाँ है लॉयर, समझ गया। तो देखिए कि 1 2 3 4 फोर प्लेसेस बच गए। तो अब देखिए क्या हमने अभी तक नहीं, क्या यूज नहीं किया, तो ई एंड एफ मैंडोलिन और ये यूज हो चुका है, ये भी हो चुका है, ओके ये भी हो चुका है और ये भी हो चुका है। तो क्या क्या बच गया, देखिए ये भी हो गया, ये बच बचा है। फ्लूट और पियानो के बीच में प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए पियानो के बारे में कहीं और दिया है कुछ, कहीं पियानो के बारे में यहाँ पर है ना, द गुजराती प्लेस पियानो, तो जो गुजराती है वो पियानो, तो देखिए गुजराती के लिए बस टू प्लेसेस है, और अगर गुजराती यहाँ पर हो गया तो यहाँ तो मैंडोलिन है, पियानो नहीं है, तो गुजराती यहीं पर होगा, गुजराती, ओके गुजराती यहाँ पर और गुजराती प्लेस पियानो, तो पियानो यहाँ पर, और अगर पियानो यहाँ पर तो देख लीजिए फ्लूट और पियानो था ना, तो इसका फ्लूट, फ्लूट इसका फ्लूट, ओके। और इसका अब नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि आप ही देखिए बिहार, वन वन बिहार है, वन बिहार है, सेकंड है केरला, थर्ड देखिए यूपी, थर्ड यूपी, महाराष्ट्र फोर्थ, गुजरात फिफ्थ, पंजाब सिक्स, सेवेंथ का तो कोई नाम ही नहीं है, सेवेंथ दिया ही नहीं है, तो ये यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ ब्लैंक ब्लैंक। तो इस तरह से हमने इसका ये डायग्राम बना दिया, और अब इस डायग्राम की हेल्प से इसके क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, आइए देखते हैं। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट डज ए बिलोंग टू, किस स्टेट में है, तो देखिए ए एक स्टेट में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र महाराष्ट्र इज द आंसर, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट डज बी प्ले, बी कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाता है, तो देखिए बी इंस्ट्रूमेंट पियानो, पियानो तो पियानो, पियानो इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट डज सी प्ले, सी क्या बजाता है, तो देखिए सी सरोद, सरोद सी प्ले सरोद, ओके। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज डीज प्रोफेशन, डी का क्या प्रोफेशन है, देखिए डी का प्रोफेशन, डी का प्रोफेशन इंजीनियर, इंजीनियर इंजीनियर इज द आंसर। और हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेट डज ई बिलोंग टू, ई किस स्टेट का है, तो देखिए ई स्टेट यूपी का है ना, यूपी, यूपी इज द आंसर। तो इस तरह से हमने हमारा ये पजल का एपिसोड समाप्त होता है, हमारा ये एपिसोड रीजनिंग वीक के अंतर्गत था, और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि एग्जाम में पजल के सेक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपका आपका जो भी पजल का क्वेश्चन होगा उसे आप विद इन 2 मिनट सॉल्व कर पाइएगा। थैंक यू।